हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ डॉक्टर सामिल एंथनी एंड मैं आपके सामने लाया हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन। अगर आप लोग CSET यानी CS के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सेशन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सेशन में मैं आपको पहले समझाऊंगा कि CS करता क्या है, एज वेल एज उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन से एग्जामिनेशन से होती है। ये सारे हम बात इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये फर्स्ट डेमो लेक्चर है, इससे पहले भी शायद आपने CS के बारे में इंफॉर्मेशन ली होगी, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको वापस से याद दिला दूंगा, एज वेल एज हम इन डिटेल जर्नी देखेंगे अबाउट योर सिलेबस। सो ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा ये पूरे सेशन के लिए। सो बच्चों, मेरा नाम है प्रोफेसर सैमुअल एंथनी। मैं अग्रवा क्लासेस में 9 सालों से पढ़ा रहा हूं एंड आई हैव डन माई PhD ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स। सो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आई एम बीन टीचिंग फॉर 9 ईयर्स। सो करंट अफेयर्स में, सॉरी CSWT में मैं सेशन आपका लेने वाला हूँ, यानी दो सब्जेक्ट आपका पढ़ाने वाला हूँ। पहला सब्जेक्ट होने वाला है आपका करंट अफेयर्स, दूसरा होने वाला है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। सो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट कितने मार्क का है उसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि आपका CSET में 4 सब्जेक्ट्स है, आपको पता होगा। उस 4 सब्जेक्ट्स में से टोटल आपके 4 सब्जेक्ट का होता है 200 मार्क। उस 200 मार्क में से आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 100 मार्क्स। याद है, मतलब 50% आपकी पासिंग होती है। तो सर मेरा एक सवाल है कि अगर तो 200 मार्क में से 100 मार्क पासिंग है तो एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए? एक सब्जेक्ट में सर आपको चाहिए, अगर 4 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए? 25। तो 25 मार्क अगर एक सब्जेक्ट मिलेगा तो ऐसे 4 सब्जेक्ट में मुझे मिल जाएंगे 100 मार्क और मैं हो जाऊंगा पास। सही बात है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको थोड़ा रिलैक्स भी किया है। रिलैक्स क्या किया है कि ये जो 25 मार्क आपको बोले गए थे, ये भी बताया गया कि किसी कारणवश आपके 25 की जगह 22 क्यों ना आ जाए तो भी आप पास हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला कि 22 मार्क लाना यानी कि आप 20 के ऊपर लाते हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। आप 20 के ऊपर ला रहे हो यानी दैट इज एक्सेप्टेबल, 20 के ऊपर लाना इज एक्सेप्टेबल, और यानी कि अब 22 आता है तो आप पास हो। तो सर एक सब्जेक्ट में 22, दूसरे सब्जेक्ट में 25, तीसरे सब्जेक्ट में 25 एंड फोर्थ सब्जेक्ट में 25, ऐसे तो टोटल 97 हो रहा है सर। एग्जैक्टली, तो मैं पास माना जाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। याद रखिए, आप तो 100 मार्क पासिंग के हैं। कितने मार्क पासिंग के? 100 चाहिए। है कितने मार्क्स आपको? 97 मार्क्स है। सो आप पास यहां पर नहीं हो रहे हैं, तो आपको कितने मार्क्स और चाहिए? 3 मार्क। सर अगर मान लीजिए आपका यहां पर 3 मार्क कम हो गया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वही 3 मार्क कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में आप ऐड कर पाओ। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट में आपको 22 मार्क है तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको वही मार्क्स बढ़ाने पड़ सकते हैं अपने स्कोर के साथ, यानी 28 मार्क। तो ऐसे करके ये बैलेंस मेंटेन करना होता है 100 मार्क का और आप होते हो पास। तो CSET में आपको 200 मार्क में से 100 मार्क, आई रिपीट, 200 मार्क में से 100 मार्क आपको पासिंग के लगेंगे। दो सौ मार्क में से 100 मार्क आपको पासिंग के लगेंगे। ओके चलिए सर, सर 200 मार्क का पास है तो 100 मार्क पासिंग का। अब मैं आता हूं मेरे सब्जेक्ट पे अगेन। करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का है, कितना आपको इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है पहले देखेंगे एक बार करके। सबसे पहले करंट अफेयर देख लीजिए, करंट अफेयर आपको है 30 मार्क्स का। आपको दिख रहा है 30 मार्क्स का करंट अफेयर है। मेरी स्क्रीन के साइड में देख लीजिए कितने मार्क का करंट अफेयर है, 30 मार्क का करंट अफेयर है। सर सब्जेक्ट तो 50 मार्क का है। द आंसर इज कि उसके साथ आपको ऐड किया जा रहा है क्वांट, तो क्वांट आपको मिल जाता है 20 मार्क का, यानी 30 और 20 ये हो जाता है आपका 50 मार्क का करंट अफेयर्स, ओवरऑल करंट अफेयर्स एंड क्वांट। तो करंट अफेयर में 30 मार्क का आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जा रहा है। सो अब ये 30 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस होंगे ये भी समझते हैं।
सबसे पहले देखिए ये 30 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस कितने होंगे, ध्यान से देखिएगा। कुल मिला के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 30 मार्क्स में। सर 25 क्वेश्चन अगर एक एक मार्क के पूछे तो सर ये तो 25 मार्क हुए सर, 30 मार्क्स कैसे हुए सर? तो मेरे दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको एक मार्क का, यानी हो जाएंगे कितने 20 मार्क्स। करेक्ट है, 20 क्वेश्चन एक मार्क का हो जाएंगे कितने 20 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन 2 मार्क के, 5 क्वेश्चन कितने 2 मार्क के, तो आपको हो जाएंगे 10 मार्क्स। 20 मार्क्स और 10 मार्क्स, आई रिपीट 20 मार्क्स और 10 मार्क्स, तो आपकी कुल मिला के यहाँ पर मार्क्स हो जाते हैं 30 मार्क्स। समझ में आ गया आपको? तो ये होता है आपका करंट अफेयर का पेपर का एनालिसिस, ऐसा अब तक देखा गया है कि ऐसा पेपर में आया है। अब हम बात करते हैं पास्ट एनालिसिस की, यानी कि पुराने टाइम पर किस तरीके के पेपर देखे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले ये भी समझते हैं। बच्चों का ये बोलना होता है कि सर करंट अफेयर में मॉड्यूल का पार्ट इतना नहीं आया है और बाहर का पार्ट ज्यादा आया है, क्या ये सच है? द आंसर इज राइट, इट इज ट्रू। मॉड्यूल का पार्ट एक रेफरेंस की तरह इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, लेकिन बाहर का पार्ट भी इंस्टीट्यूट ने इग्नोर नहीं किया। तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि भैया करंट अफेयर हो तो इसमें ऑनगोइंग करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, मॉड्यूल के पार्ट में से भी आएगा। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ऑनगोइंग करंट अफेयर तो आपको भी पढ़ना है एंड ऑल मॉड्यूल का भी कराना है, ऑल मॉड्यूल का भी पढ़ना है। सर आप कौन सा पार्ट कवर कराओगे, मॉड्यूल का पार्ट कवर कराओगे कि ऑनगोइंग करंट अफेयर आप कवर कराओगे? मेरा बोलना यह है कि मैं आपको दोनों कवर कराने वाला हूं, यानी कि मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको ऑनगोइंग करंट अफेयर भी पढ़ाने वाला हूं। सर ऐसा क्यों? ऑब्वियसली बेटा मेरा इंटेंशन है वो करंट अफेयर में पास करने का है, ना कि सिर्फ मॉड्यूल पढ़ा के भागने का। बहुत जगह देखा गया हमारी कमर्शलाइज इंडस्ट्री हो चुकी है यार। प्रॉब्लम ये होता है कि अग्रवाल क्लास 23 साल से एक नींव एक फाउंडेशन लेके बैठा है कि इसमें बच्चों का भला कैसे हो, और वही फाउंडेशन हम लोग कैरी ऑन करते हैं, भले ही इसमें हमको करंट अफेयर बाहर का पढ़ाने पड़े जो कि बाउंड्री लेस है, लेकिन फिर भी हम वो केटर करने वाले हैं। सो आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरे सेशंस को देखिएगा, एंड आज से हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, ओके तो सबसे पहले सर ये रहे आपके चैप्टर्स, ये रहे बेटा आपके चैप्टर्स, एक बार वापस से देख लीजिए आपके चैप्टर्स को, ये स्क्रीन पे दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए लीगल अदर अफेयर्स, उसके नीचे देखो फाइनेंशियल अफेयर, उसके नीचे देख रहे हो पॉलिटिकल अफेयर, उसके देख रहे देखो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, और उसी के नीचे इकोनॉमी। सर ये पांचों टॉपिक्स आपको हमको एग्जाम में आने वाले हैं। द आंसर इज यस, आपको एग्जाम में आने वाले हैं 30 मार्क के लिए, तब पढ़ेंगे हम। नो ऑप्शन, हैव टू, है ना? कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। करेक्ट है, इसके साथ साथ तुम्हें बाहर का जो ऑनगोइंग करंट अफेयर है, जो न्यूज में पूछे जा सकते हैं, जो न्यूज आर्टिकल्स में से करंट अफेयर है, वो भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो वो भी हम लोग, मैंने आपको बताया, वो भी अपन कवर करने वाले हैं। करेक्ट है, वो भी अपन कवर करने वाले हैं बच्चों। सो ये रहे आपके चैप्टर्स। अब सर हम शुरुआत कौन से चैप्टर से करें, बताइए आप कौन से चैप्टर से शुरुआत करेंगे? सर हमारे को अब तक स्कूल में ऐसा होता था कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, नहीं ऐसा यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लीगल अंडर अफेयर्स, दैट इज द फोर्थ चैप्टर। सर वो तो फर्स्ट ईयर नहीं, मैंने सिक्वेंशली जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको फर्स्ट किया है, जिस चैप्टर हम सेकंड जाने वाले हैं उसको सेकंड पॉइंट पर रखा है, जिस चैप्टर थर्ड जाएंगे उसको थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसा ही रखा है। सो देखा जाएगा तो आइडियली तुम्हारा चैप्टर नंबर वन ये वाला है, चैप्टर नंबर टू फाइनेंशियल ये है, चैप्टर नंबर थ्री ये है, लेकिन अपन ने वन को फोर और फोर को वन कर दिया है। सो हम लोग शुरुआत करेंगे लीगल एंड अदर अफेयर के साथ।
चलिए। सो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं लीगल एंड अदर अफेयर्स पे। चलिए, सो मेरा पहला सवाल आप सभी से ये है, मेरा पहला सवाल आपसे बिफोर द स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है दोस्तों कि हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट है? सोचिए, सोचो ना, सोच रहे हो? ठीक है, सोचो। कितने सुप्रीम कोर्ट होंगे इस देश में, हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट होंगे? सोचो। द आंसर इज, आपको पता है, अगर पता है आंसर तो एक एक लौता और एक ही है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। आपको बता दूं, देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट इन होल कंट्री, एंड हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक ही हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम ही सुप्रीम है यार, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट कोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑलवेज रिमेंबर। सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल क्यों पूछा? क्योंकि अगर हम लोग एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं जिसमें लॉ हो, जिसमें इलीगल लीगल अफेयर्स हो, लॉ हो, लीगल अफेयर्स हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि लॉ एंड लीगल अफेयर्स ऐसा कौन सा कोर्ट है जो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है दोस्तों, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है और वो कितना है। तो आपने बताया मुझे, सर सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। एग्जैक्टली, आपको समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, ये जो लॉ एंड लीगल अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, लीगल अफेयर्स की मैं बात करता हूँ, तो मतलब ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सबका माई बाप है। सुप्रीम कोर्ट माई बाप है सबका, करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, उस जज का नाम क्या होगा? आपके नाम, किस नाम मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर धनंजय चंद्रचूड़। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज धनंजय चंद्रचूड़ सर। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बता दिया मैंने। अब सर, ये क्यों पढ़ रहे हैं? मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं और लीगल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कानून में सबसे हायरेस्ट अथॉरिटी रखता है जुडिशियल सिस्टम में, यानी कि फैसला देने में, तो उस हायर अथॉरिटी का नाम हम लोग एक बार बोल देते हैं। और उस हायर अथॉरिटी के नाम पे जो हायेस्ट अथॉरिटी का जज है, उनका भी नाम एक बार बोल देते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा बच्चों, वापस रिवाइज कराता हूँ। लॉ एंड लीगल अदर अफेयर्स में हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होती है, जो कि एक होती है। उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर एंड डॉक्टर, ही इज डॉक्टर ऑल्सो, डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ सर, ठीक है। चलिए, सो बच्चों, हमारा चैप्टर शुरुआत होती है लीगल एंड अदर अफेयर्स के साथ, यानी हम ऐसे लफड़े देखेंगे। पहली बात तो यार देखो, तुम ना, हम जब अफेयर बोलते हैं ना, तो सबको लगता है कुछ नेगेटिव टर्म ही होगा, जैसे कि एक अंकल है एक आंटी है, अफेयर चल रहा है, अंकल आंटी है और अफेयर, अफेयर लफड़ा, इट्स बिकम अ नेगेटिव टर्म। अफेयर का मतलब पहली बात तो ये होता है कि ऑनगोइंग चीजें को हम अफेयर कहते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल अफेयर, यानी कि देश विदेश की खबरें, अफेयर। तो अब हम यहां पर लॉ से रिलेटेड अफेयर्स वो भी देखेंगे कि
कानून से रिलेटेड ऑनगोइंग लफड़े यानी अफेयर्स क्या चल रहे हैं। सो बच्चों, सबसे पहले होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है कि देश में सबसे बड़ा कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट है। तो आपके लीगल एंड अफेयर्स का सबसे पहला पॉइंट होता है कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, इसका नाम लीगल, लीगल मतलब क्या होता है सर? कानूनी तौरी, कानून जो कानूनी तरीके होते हैं उनको बोलते हैं लीगल, ठीक है। तो आपको लीगल एंड अदर अफेयर्स में सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि हु इज द सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे इंडिया में कितने हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ सर। अच्छा चलिए सर, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सर मेरे को एक बात जाननी है सर कि सर मुझे आप लोगों से एक सवाल जानना है। हम लोग आजाद कब हुए थे? मैंने आपके सामने तीन डेट्स दे रखी है, 1947, 1949, 1950, 26 जनवरी दिया है। मान लो 26 जनवरी 1950 है, वो सेकंड वाला जो है, सेकंड एंड थर्ड 1950, यानी उसके नीचे 26 जनवरी 1950 भी दे रखा है। तो मैंने आपके सामने डेट दे रखे है, मेरा एक सवाल है, हम लोग आजाद कब हुए बेटा? हम आजाद कब हुए? 1947 में आजाद हुए है, 1949 में आजाद हुए है, 1950 में आजाद हुए है, कब आजाद हुए हम लोग? हम लोग कब आजाद हुए? द आंसर आपको पता हो गया होगा। अगर अगर आपका यह आंसर नहीं आया तो बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपन सबको मिलके। 1947 को हम लोग आजाद हुए थे, ये तो सबको पता होना चाहिए, करेक्ट है। 1947 को हम लोग क्या हुआ, हमको आजादी मिली थी। अब सर आजादी मिली उसके दो साल बाद हमको क्या लगा, हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम देश के कार्यकाल कैसे करेंगे, देश चलाएंगे कैसे, इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया था, जिसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमने अडैप्ट कर लिया, यानी कि अपना लिया, और हमने फाइनल कर दिया। हमने ये बोल दिया कि 1949 को हमने अडैप्ट कर लिया, यानी कि हमने ये बोल दिया कि अब हम ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे। 1949 को हमने टिक कर दिया, डन कर दिया। 1950 के दिन चल रहे थे, तो 1950 में 26 जनवरी को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1949 नवंबर में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर इंप्लीमेंट कर दिया 1950 26 जनवरी को, यानी कि 1949 नवंबर देख लो, नवंबर दिसंबर, 1949 खत्म, फिर 1950 आ जाएगा जनवरी में, तो दो महीने बाद हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो उस दिन हम लोग का क्या मनाते हैं बच्चों, 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे, यानी उस टाइम से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो चुका था, माय बैड, इंप्लीमेंट हो चुका था। अब सवाल यह है कि इंप्लीमेंट तो हुआ है, लेकिन मुझे एक बात जानना है कि इंप्लीमेंट तो हो गया यार, सब ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किन्होंने किया था, सर का नाम क्या है? चलो सर, आप लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो क्योंकि आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पर, कि सर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क बनाया था। तो उन्होंने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो उन्होंने बोला कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर इन तीन हिस्सों में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले होगा लेजिस्लेटिव। सर लेजिस्लेटिव यानी कि क्या? एक ऐसा सेगमेंट जो क्या बनाने में फोकस करेगा, लॉज बनाने में फोकस करेगा। एक ऐसा सेगमेंट जो क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा। देश में अगर किसी की जरूरत पड़े तो लॉ बनाया जाए, तो फिर ऐसा सेगमेंट को बनाया गया जो लॉ बनाएगा। तो मतलब सर ऐसा सेगमेंट लेजिस्लेटिव होता क्या है बेटा? आपने सुना होगा पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पास हुआ। तो ये जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, ये आते हैं लेजिस्लेटिव में, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं हम इसको? पार्लियामेंट। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लॉ के लिए बिल पास करते हैं,
बिल पास करते हैं एंड वहां से हम मानते हैं कि यहां पर लॉ का फ्रेमवर्क रेडी होता है। ठीक है, अब लॉ हमने फ्रेमवर्क तो बना दिया सर, लॉ के लिए हमने फ्रेमवर्क तो बना दिया है, करेक्ट। लॉ के लिए हमने फ्रेमवर्क बना दिया है। अब उसके बाद होता है, आप लॉ बनाना एक बात होती है, लेकिन जैसा लॉ बनाया है तो क्या अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा? द आंसर इज नो, इंप्लीमेंट ऐसा नहीं होता। आपको लॉ बनाया एक बात होती है, उसको इंप्लीमेंट करना अलग बात होती है। तो लॉ बना है अभी इंप्लीमेंट, सो अपने को एक ऐसी अथॉरिटी लगेगी जो लॉ को इंप्लीमेंट भी करेगी। सो अथॉरिटी हमने बनाई और बोला कि लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसको हमने बोला स्ट्रक्चर बनाया गया। स्ट्रक्चर में थर्ड सेकंड पिलर बोला गया एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो लोग होते हैं जैसे पुलिसमैन, ये वो लोग होते हैं जिनका काम होता है बना हुआ लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए। सेक्शन 144 बनाया कानून था, जिसको कोविड 19 के टाइम पे इंप्लीमेंट किया पुलिस लोगों ने। लोगों को बोल, सेक्शन 144 क्या था कि मॉब गैदरिंग नहीं होगी, दैट वाज सेक्शन 144। तो मॉब गैदरिंग ना हो ये इंश्योर कौन कर रहा था? पुलिस, मिनिस्टर्स। सो बेसिकली पुलिस एंड मिनिस्टर्स किस में आ जाते हैं? दे कम अंडर द एग्जीक्यूटिव, दे कम अंडर द एग्जीक्यूटिव, बराबर है? क्योंकि उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है बने हुए लॉ को इंप्लीमेंट करना, यानी एग्जीक्यूट करना। कुछ डाउट है बच्चों? तो फिर थर्ड पिलर पे आते हैं। थर्ड पिलर कहता है कि जो लॉ बना है और जो लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, तो एक ऐसा भी अथॉरिटी होना चाहिए जो चेक करे कि लॉ किसने इंप्लीमेंट किया है और लॉ किसने इंप्लीमेंट नहीं किया, यानी कि कौन लॉ फॉलो कर रहा है कौन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो लॉ माने की एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल, लॉ बना है कि मर्डर इज फॉरबिडन एंड अ पर्सन विल बी हैंग टिल डेथ इफ ही कमिट्स सच क्राइम। ये लॉ तो बना हुआ है, फिर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पर एलिगेशन लगाया, इसने मर्डर किया, तो ये बोल रहा है मैंने नहीं किया। कोर्ट फैसला लेता है कि भाई साहब तूने किया है कि नहीं किया है, तो कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि इसने मर्डर किया है। इन्वेस्टिगेशन का पता चला इसने मर्डर किया है, तो कोर्ट ने डिसाइड ये किया कि इसने लॉ को तोड़ा है, तो इसको क्या किया जाएगा? फांसी की सजा दी जाएगी, हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा इसको दे दी जाएगी। अब पॉइंट समझा आपको? तो मतलब कि कोर्ट एक ऐसी अथॉरिटी है जो जज करती है कि किसने लॉ फॉलो किया है किसने लॉ फॉलो नहीं किया है। तो सर इस कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, किसके अंडर आता है कोर्ट? कोर्ट आता है बच्चों जुडिशियल के अंदर। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सर डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया, वो उन्होंने थ्री पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सबसे पहला उन्होंने पिलर बनाया था, सबसे पहला बोला था कि होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा होता है जुडिशियरी। तो सबसे लेजिस्लेटिव ने बोला कि जो पार्लियामेंट होते हैं वो आते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर, और जो एग्जीक्यूटिव उसमें आते हैं कि वो लोग जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड फाइनली वो लोग जो जुडिशरी में होते हैं, यानी कि कोर्ट्स। तो बच्चों ये हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। उससे पहले हमने वापस से रिवाइज करा रहा आप लोगों को, सबसे पहले हमने देखा था लॉ एंड लीगल अफेयर्स की बातें, यानी कि सबसे पहली पॉइंट हमने उसमें ये डिस्कस की थी कि विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर पूरे कानून को जजमेंट्स दिया जाता है कि कौन सा कानून फॉलो हो रहा है कौन सा कानून फॉलो नहीं हो रहा, वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है सर डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया में कैसे आया, 1947 में आजादी मिलने के बाद हमको तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन तो अप्लाई नहीं हुआ था, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडेप्ट किया था, लेकिन इंप्लीमेंट 26 जनवरी 1950 में हुआ था, ये हमने स्टार्ट किया था एंड हम आए थे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आगे का भी लेक्चर देखना,
एंड जल्दी से अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो, कुछ डाउट होगा तो कॉन्टैक्ट अस। माय नेम इज डॉक्टर सैमुअल एंथनी टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच गाइस।